की सीरीज में आज हमारा नया एक्सपेरिमेंट है रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद लेजर बीम से हम लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हैं ये ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब में ये रेड लाइट जो आप देख रहे हैं ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल, और ये है एयर, ये है ग्लास, तो ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो आप देखिए ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आती हुई नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो ये है इंसिडेंट एंगल आई और ये है रिफ्रेक्टेड एंगल आर वन। उसके बाद जब ये रे वापस से डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, द रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देखिए ये रे इस तरह से आ रही है और नॉर्मल से दूर हटी है, ये रे नॉर्मल के पास टुवर्ड्स बेंड हुई थी। ओके, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आती, लेकिन इस ग्लास स्लैब के कारण ये रे इमर्जेंट रे आप देखिए ये ऐसे निकल रही है। तो ये थी इंसिडेंट रे का पाथ, ये है इमर्जेंट रे का पाथ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हुए इस ग्लास स्लैब पर एंटर होती है, इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है उतना ही एंगल बनाते हुए इमर्जेंट होती है। तो वी हैव टू प्रूव आई इक्वल टू आई डैश एंड देन वी हैव टू प्रूव द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेज, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले ये जो एंगल बनाती हुई आती है उसे हम बोलते हैं ऑब्लिकली इंसिडेंट। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होती तो रिफ्रैक्शन में हमें बैंड होती भी नहीं दिखती, ये सीधी निकल जाती। अगर ये नॉर्मल से जीरो डिग्री एंगल बनाते हुए जाती तो ये इमर्जेंट रे सीधी निकल जाती, और इमर्जेंट रे भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए जाती, जीरो डिग्री। ओके, तो यहां पर देखिए ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इमर्जेस आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेस आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज लेटरल शिफ्ट, तो कुछ लेटरल शिफ्ट हो जाता है। अब सरफेस ए बी पे देखिए, ए बी सरफेस पर हम स्नैप्स लगाएंगे या रिफ्रेक्शन रोल लगाएंगे, इसमें रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो ए म्यू जी, म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एयर से ग्लास में आ रही है और स्नेल होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन रिफ्रेक्टेड एंगल कितना है, साइन आर वन, साइन आई बाय साइन आर वन। ओके, अब सरफेस सीडी भी देखिए, सीडी इंसिडेंट एंगल कौन सा है, आर वन, रिफ्रेक्टेड एंगल कौन सा है, आई डैश। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर, तो हम लिखेंगे जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर वन अपॉन में साइन आई डैश। ओके, एक रिवर्सिबिलिटी लॉ होता है जिसमें हम ये हमारे पास रिलेशन होता है, ये है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जी म्यू ए मतलब ग्लास से एयर इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर एंड एयर टू ग्लास। तो यहां पे हम इस इक्वेशन को जी म्यू ए की जगह लिख सकते हैं ए म्यू जी, और ये रिवर्स लिखेंगे इसे, साइन आई डैश ऊपर और साइन आर वन नीचे। अब ये इक्वेशन भी ए म्यू जी के बराबर, ये इक्वेशन भी ए म्यू जी के बराबर, तो इनकी इक्वल वाली टर्म हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं, यहां से साइन आर वन से साइन आर वन कैंसिल आउट, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आई डैश, सो एंगल आई इज इक्वल टू आई डैश, एंगल आई इज इक्वल टू आई डैश। एंगल आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, एंगल आई डैश का मतलब इमर्जेंट एंगल, सो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल।
अब लेटरल शिफ्ट के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग ट्राइंगल लेते हैं इसी डायग्राम में से, और हमें जो वैल्यू निकालनी है कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है डी की, ये है लेटरल शिफ्ट। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ओ बी एल। यहां से हम साइन आई माइनस आर वन का साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज बी एल एंड हाइपोटेनियस इज ओ बी। तो वैल्यू पुट करेंगे, बी एल की वैल्यू है डी अपॉन ओ बी, यहां से डी की वैल्यू आएगी ओ बी साइन आई माइनस आर वन। अब यहां से हमें इस ओ बी की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, और ओ बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे ओ बी एन वन डैश, जो कि ओ एन वन डैश की वैल्यू हमें लेनी है टी। तो यहां पे हम कॉस थीटा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बेस है और हाइपोटेनियस है, इसलिए हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस आर वन इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज टी, हाइपोटेनियस इज ओबी। तो यहां से हमारे पास ओबी की वैल्यू आ जाएगी ओबी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर वन, ओबी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे टी अपॉन कॉस आर वन। तो यहां पे हम ओबी की वैल्यू पुट कर देंगे टी अपॉन कॉस आर वन, डी आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन। तो इस फॉर्मूले से हमें यह पता लग रहा है कि जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चेंज होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को लेजर लाइट की हेल्प से दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये लेजर लाइट है, और यहाँ से ये इंसिडेंट रे आप देखिए आ रही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, ये देखिए ये। लेकिन यहाँ से जब ग्लास स्लैब में ये एंटर कर रही है तो इसके पाथ में कुछ डेविएशन हो रहा है, आप देखिए ध्यान से इस जगह पाथ में कुछ डेविएशन हो रहा है और ये ग्लास स्लैब की ओर मुड़ रही है। जब ये वापस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है तो वापस से ये नॉर्मल से दूर हट रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है इसका लेज़र लाइट डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका ऑल पिन से लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक ड्राइंग बोर्ड की, वाइट पेपर की, ग्लास स्लैब, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, शॉर्पनर एंड इरेजर। तो सबसे पहले हम इस वाइट पेपर में, वाइट पेपर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस वाइट पेपर पर हम एक ग्लास स्लैब को रखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इसे इस पॉइंट पर, यहाँ से देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ग्लास स्लैब बिल्कुल मिलनी चाहिए। फिर हम इसकी शेप बना लेंगे यहाँ पर ऐसे। शेप बनाने के बाद हम एक बार ग्लास स्लैब को साइड में रख देंगे, और सबसे पहले ये अब एक ग्लास स्लैब की शेप बन चुकी है, ये है नॉर्मल, और नॉर्मल से हम कुछ भी इंसिडेंट रे के लिए एंगल ले सकते हैं, क्योंकि हमें इंसिडेंट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट शो करनी है। तो हम इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री ले सकते हैं, 35 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं। तो यहां से हमें ध्यान दीजिए नॉर्मल से एंगल बनाना है, तो ये नॉर्मल, और नॉर्मल से हम ले रहे हैं 30 डिग्री एंगल। तो ये देखो नॉर्मल, और यहां से मैं ले रहा हूं 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल को बनाने के बाद इसे मैं यहां से ज्वाइन कर दूंगा, ओके। तो ये बन गया है मेरा इंसिडेंट रे के लिए। तो मैं यहां पे एरो लगाऊंगा और यहां पर मैं दो पिंस को फिक्स कर दूंगा इसी इंसिडेंट रे पर, दो पिंस को फिक्स कर दूंगा, ओके। ये फर्स्ट पिन को यहां पर, और सेकंड पिन को उसके बाद, ओके। इन दोनों पिन को फिक्स करने के बाद मैं ग्लास स्लैब को वापस इसी पोजीशन पर रखूंगा,
इसी पोजीशन पर रखने के बाद अब मेरा काम है इन दोनों पिंस को इस ग्लास स्लैब के इस अपोजिट फेस से देखना। जब मैं इसके देखो इधर से ये इस पिन से रे ऑफ लाइट यहां पर एंटर करेंगी और इसके बाद रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जाने पर नॉर्मल में की तरफ टुवर्ड्स बेंड होगी और वापस से जब डेंसर से रेज आएंगी तो वापस से नॉर्मल से दूर हटेंगी। तो मैं इस फेस से इन दोनों पिंस को देखूंगा और इन जहां पर ये दोनों पिंस मुझे सेम अलाइन दिखेंगी उसी अलाइनमेंट में मैं इस थर्ड पिन को भी लगाऊंगा। तो इसी अलाइनमेंट में मैं इस थर्ड पिन को लगाने जा रहा हूं। इसे किस तरह से लगाते हैं आप एक बार ध्यान से देखिए। मैं अपोजिट साइड आपको दिखा रहा हूं ग्लास स्लैब की। यहां देखिए एक पिन रखी हुई है और ये ऐसे आप अलाइनमेंट देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल इसके इसी की सीध में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए ये पिन उन दोनों पिन्स की जो इमेज आप दिख रही है आपको ग्लास स्लैब में दूसरी साइड ध्यान से देखिए और ये पिन बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में रखी है। ये पिन बिल्कुल उन दोनों पिनों के अलाइनमेंट में है। ओके, इसके बाद देखिए आप इस पिन के बाद मैंने एक पिन और लगाई है ताकि मैं इन दोनों पिनों को आगे जाके ज्वाइन कर सकूं। तो इसके पीछे आपको बस इस एक पिन और लगानी है जिससे ये दोनों पिन की इमेज और ये दोनों पिन एक ही अलाइनमेंट में आपको दिखे। ओके, ये सब करने के बाद आपको इन सभी पिनों को हटाना है और इन सभी पिनों की जो पोजिशन है उस पर एक राउंड बनाना है। अब पेपर पिन से जो दो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिले थे उन दोनों पॉइंट को मैंने राउंड करके और अब मुझे स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ग्लास स्लैब तक आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये जो आप रे देख रहे हैं ये मेरे लिए इमर्जेंट रे का काम करेगी। तो दिस इज इमर्जेंट रे विच इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस ग्लास स्लैब। ओके, इसके बाद मुझे ये जो आप इंसिडेंट रे दिख रही है इसे आगे बढ़ाना है स्केल की हेल्प से वर्चुअली। तो मैं इसे वर्चुअली डैश 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 करके आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, तो आप देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है ये आप देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। अब मैं इस इंसिडेंट इमर्जेंट रे को नॉर्मल से मिलाऊंगा। ओके, यहां पर तो आप देखिए ये इंसिडेंट रे पहले ग्लास स्लैब पर आने में कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और उसके बाद वापस से नॉर्मल से दूर हटी है। ये देखिए नॉर्मल से वापस दूर हटी है और ये इंसिडेंट रे के इमर्जेंट रे पैरेलल है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है या ये नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ है। तो इसकी लेंथ चेक करनी है नॉर्मल शिफ्ट की। ओके, तो इसके लिए हम स्केल की हेल्प से इसकी नॉर्मल शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, 5.9। तो ये हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट आ रहा है वो है 0.9 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास स्लैब के लिए हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट किया इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट की विच इज 0.9। यहां पे हम लिख देते हैं ये है इमर्जेंट रे ये इसी इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया है और ये एंगल आई और ये एंगल हम अगर चेक करेंगे तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। ओके, तो इसे हम चेक करते हैं। यस, ये देखिए आप ये एंगल 30 डिग्री वाली लाइन पे ये लाइन मिल रही है। ओके, सो इमर्जेंट एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। तो ये अगर आप इसी हेल्प से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट और सेम पैरेलल लाइन को हमने प्रूव किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।